गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 5:30 बजे सुबह के, और हम लोग होटल से मतलब होटल में जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं वो गेस्ट हाउस और टूरिस्ट लॉज, उसी से बाहर जो निकल के जो यहाँ पे मातला नदी है उसका हम लोग दृश्य देख रहे हैं। और अगर आप तो आपको उस तरफ सनराइज आपको देखने को मिलेगा, बट आज वेदर बहुत क्लाउडी है एंड कुछ दिख नहीं रहा है। सो द सन इज अ नो शो टुडे, सो इसलिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सन देख पाएंगे। और इतना ठंडा भी उतना हवा नहीं चल रहा है बिकॉज इट्स लो टाइड एंड इसलिए उतना ठंडा हवा नहीं है, मतलब सुबह का टाइम है, बट गर्मी भी नहीं लग रहा है वैसे। तो भी हम लोग थोड़ा घूम के देख रहे हैं आसपास में क्या है, सुबह को कैसा लगता है। चलिए यहाँ पे एक्चुअली मछली आपको बहुत मिलेगा क्योंकि दिस इज क्वाइट नियर द सुंदरबंस। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो जितने सारे बोट आपको भी दिख रहे हैं, ये सारे फिशरमैन के जो बोट्स होते हैं, सुबह सुबह ये लोग मछली पकड़ने यहाँ पे आए हैं। और यहाँ से फिर और भी आपको बहुत सारे एरियाज में मिलेगा। यहाँ का जो लोकल मार्केट है फिश इज क्वाइट कॉमन हेयर एंड यू विल गेट क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के फिश होते हैं जो बहुत अच्छा है यहाँ का। तो वही अभी हम लोग सुबह को यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये है वाटर लिली जिसको हम लोग शापला भी बोलते हैं, और हम लोग एक्चुअली शापला खाते हैं, ठीक है। आप लोग खाते हो कि नहीं पता, बट दिस इज वाटर लिली इन इंग्लिश। सो दीज आर ऑल लिलीज। तो वहाँ पे जो दिख रहा है वो है वेदर ऑफिस, मतलब वेदर फोरकास्ट का जो ऑफिस होता है वहाँ पे, ये वहीं पे है। से हम लोग घुसेंगे अभी, कल जो मैंने बोला था शारदा, यहाँ पे शारदा नहीं, यहाँ पे जो रामकृष्ण मिशन है आश्रम, जो कि नीमपीठ रामकृष्ण आश्रम के अंडर में पड़ता है, इसी का ये एक दूसरा ब्रांच है, तो उसी के अंदर हम लोग घुसने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको निकल बताया था वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, सो आई एम गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट एंड आई वोंट बी मेकिंग अ वीडियो। सो इतना तक मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ कितना सारा झींगे, इट्स अ गॉड की गॉड रे समथिंग ऐसा बोले। ये है झींगे का, झींगे चाश हो रहा है यहाँ पे, कल्टीवेट हो रहा है, फार्म हो रहा है। अभी वेदर बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, इट्स रेनिंग अ बिट, लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स नाउ। दिस इज हाउ द वेदर इज नाउ। लाइक इनिशियली बहुत ह्यूमिड था, आज उतना हवा नहीं दे रहा था, बट अभी बिकॉज बारिश हो रहा है तो इसलिए ठंडा हवा चल रहा है एंड हल्का हल्का बारिश हो रहा है। लाइक इट्स रेनिंग अ बिट, बहुत ही हल्का हल्का बारिश है बट थोड़ा ठंडा हवा दे रहा है इसलिए वेदर इतना गर्म नहीं है। लाइक एंड आज भी बहुत क्लाउडी आपको दिख रहा होगा, लाइक नथिंग इज विजिबल, क्वाइट क्लाउडी टुडे। कुछ देर पहले वैसे स्काई थोड़ा क्लियर था, सन दिख भी रहा था, बट अभी नहीं दिख रहा है। दिस इज हाउ द वेदर लुक्स नाउ एट 7:00 इन द मॉर्निंग। तो ये है ब्रेकफास्ट, लूची और आलू का सब्जी। अभी हम लोग जा रहे हैं मछली जहाँ पे, यहाँ पे आपको यहाँ पे मछली मिलेगा, हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं। और अभी बज रहा है 9:35, 9:30 बज रहा है, 9:30:05 एनीवे।
सो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ फिशेस नाउ, जहाँ से वो फिशरमैन लोग मछली लेके मतलब बोट से उतारते हैं और फिर बाजार जहाँ पे जाता है, जहाँ से मछली बाजार में ही लेके जाया जाता है, तो हम लोग वहाँ पे अभी जा रहे हैं मछली देखने। खबी भालो टेस्ट चीज, दिस इज मेन, दिस इज आवर डेस्टिनी। चल आइसक्रीम लीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू। पोड़ने या रूठ हर चांस हो ना। ওইগুলোই উঠবে না, ওই জালে মাছ, ওই দেখ মাছ, ওই দেখ জালের মধ্যে মাছ। কোন জালে? ওই জালে দেখছিস না মাছ, এই নৌকাটাতে? হ্যাঁ ওইটা তো মাছ, ওই যে দেখ না ওইটা তো মাছ আছে, ওই মাছ, ওই যে জালে, এই জালের ভিতরে গুলো মাছ না, ওই দিকে নিয়ে বাসছে। সো अभी হাই টাইড চল রহা হ্যায়, কুছ দের মে পানি ইধর তক উপর আ জায়েগা, এত দিন হবে অত, वहां तक वो ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है वहां तक पानी ऊपर उठ के आएगा, जो आपको ग्रीन दिख रहा है तो उतना तक पानी उड़ जाएगा, तब जाके यहाँ पे जो वो जो ट्रॉलर्स हैं, बोट्स हैं जिसमें फिश है, वो सब सामने की तरफ लाएंगे और फिर यहाँ पे बहुत सारा आपको मछली देखने को मिलेगा, मछली। लंच करके जस्ट ऊपर आए और मैंने आपको दिखाया, लंच करने के बाद हम लोग वहाँ पे गए थे देखने, वहाँ पे कुछ पूजा कुछ चल रहा था एंड अभी लंच करके आए हैं। लंच में फिर से मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मैं सो रही थी लंच के पहले थोड़ा सा, क्योंकि सुबह को उठ गई थी और कुछ जब रहता नहीं है ना, यू फील टायर्ड एंड लाइक यू फील वेरी बोर्ड, जिसके कारण नींद आ जाता है। सो हुआ क्या, लंच में था राइस, उसके बाद था दाल, उसके साथ था आमूदी माछ जिसको एंकवीज या एंकवी बोलते हैं, ओके, एंकवी फिश और एंकवीज, एनीवे तो लिखा होगा, तो राइस वो था, उसके बाद था दाल के साथ, और उसके बाद दिया था फूटी माछ, उसके बाद था की शाक छिलोटा, कोलमी शाक आलू के साथ, वो सब्जी था, तो खाना अच्छा था। मैं थोड़ा और अल्टीमेटली फाइनली उसके बाद पायस था डेजर्ट में, तो दैट वॉज द होल लंच। अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं, निकलने वाले हैं, और अभी एक बज गया है और अभी हाई टाइड का जो टाइम चल रहा है हम वहीं पे देखने जा रहे हैं फाइनली, ये जो मातला नदी है वो कितना ऊपर तक आया है वो हम आपको थोड़ा दिखा देंगे। अभी कल आपने देखा होगा पानी इतना तक नहीं आया था, बट अभी हाई टाइड के कारण पानी इतना ऊपर तक आ चुका है। मैं कल वहाँ खड़ी होकर फोटो वीडियो बना रही थी।
अभी हम लोग आ गए हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये कल हम लोग नीमपीठ जो रामकृष्ण मिशन आए थे, रामकृष्ण आश्रम, ये उसी के अंदर ये पड़ता है। उन्हीं लोगों ने ये बनाया है। ये कम्युनिटी हॉल है और वहाँ पे दिख रहा होगा विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी श्री रामकृष्ण आश्रम नीमपीठ, वो भी ये जो ये इंस्टीट्यूट भी उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है।